नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलफेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी भीड़ तंत्र को रोकने के लिए सुप्रीम प्रहार की, धर्म पॉलिटिक्स में राहुल की बीजेपी को मात की, जानेंगे कि राहुल पर हमले से मायावती को क्यों हुआ दर्द, उत्तर प्रदेश में कमल कैसे हुआ कमजोर, और आखिर में बात अर्थव्यवस्था पर लगे मोदी सरकार को झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मॉनसून सत्र में बढ़ेगी मोदी सरकार की परेशानी। लोकसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार हर मोर्चे पर विफल, सभी दलों से बात करके लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव। महागठबंधन के पक्ष में यशवंत सिन्हा बोले, 2019 में अगर पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो पीएम मोदी की हार तय। मोदी सरकार के 19 मंत्रालयों की सीएजी ने खोली पोल, नियमों की अनदेखी कर 19 मंत्रालयों ने किया 1179 करोड़ का गड़बड़ झाला। झारखंड में बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने स्वामी अग्निवेश को पीटा, सीएम रघुवर दास ने दिए जांच के आदेश। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लगा झटका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज और मरियम शरीफ की बेल याचिका खारिज की, भ्रष्टाचार मामले में हुई है दोनों को सजा। और तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 197 अंक बढ़कर 36,520 पर पहुंचा, निफ्टी 71 अंकों की तेजी के साथ 11,000 के पार पहुंचा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। अफवाह के कारण लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इन पर ना तो राज्य सरकारें कोई एक्शन ले रही हैं और ना ही केंद्र कोई कदम उठा रहा है। लोकतंत्र में भीड़ के बढ़ते कहर को लेकर अब उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपने आप में कानून नहीं हो सकता, इस पर कड़े कानून बनाने की जरूरत है। गुजरात, त्रिपुरा, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में कैसे एक अफवाह ने भीड़ को खूनी बना दिया, ये पूरे देश ने देखा। गौरक्षा के नाम पर अकलाक मारा गया, फिर पहलू खान की जान ले ली गई और सत्ताधारी निंदा ही करते रहे, लेकिन किसी ने भी कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ नए कानून की मांग तक नहीं की। देश में बढ़ रहे भीड़ तंत्र को लेकर अब उच्चतम न्यायालय ने सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि वो संविधान के मुताबिक काम करे, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। देश में हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकारों को लिंचिंग रोकने से संबंधित गाइडलाइन को 4 हफ्ते में लागू करने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने 3 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही यूपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक सरकार को नोटिस भेजकर बढ़ती गौरक्षा के नाम पर हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी शख्स कानून को किसी भी तरह से हाथ में नहीं ले सकता, कानून व्यवस्था को बहाल रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और प्रत्येक राज्य सरकार को ये जिम्मेदारी निभानी होगी। गौरक्षा के नाम पर भीड़ की हिंसा गंभीर अपराध है। इस याचिका पर आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया कि उन्मादी भीड़ को रोकने के लिए संसद में कानून बने। डीबीलाइव की रिपोर्ट। देश में भीड़ तंत्र हावी हो रहा है और किसी को कोई फिक्र नहीं है। सब अपनी अपनी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी भी हिंदू मुस्लिम कर कांग्रेस को घेर रहे हैं। आज भी यही बहस जारी रही। इसी जुबानी जंग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को उसी के धर्म की पॉलिटिक्स में उलझा दिया। 2019 लोकसभा चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को लेकर जंग छिड़ी है उससे साफ है कि चुनावी बिसात धर्म के इर्द गिर्द ही बिछाई जाएगी। पिछले एक हफ्ते से राहुल की मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी इस मुद्दे को इस कदर भुनाने में जुटी है कि कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी ही करार दे दिया। यही नहीं, राहुल गांधी के तथाकथित कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बताने वाले बयान पर पीएम मोदी भी पीछे नहीं रहे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर पहुंच गया तो राहुल गांधी को भी अपनी चुप्पी तोड़नी ही पड़ी। राहुल ने ट्वीट कर बीजेपी के धर्म जाल में उसे ही फंसा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया, मैं पंक्ति की आखिरी लाइन में खड़े व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ, मैं शोषित, वंचित और सताए गए लोगों के साथ हूँ। मेरे लिए इन लोगों के धर्म, जाति या विश्वास का मसला तुच्छ है। मैं इनके दर्द को देखता हूँ और गले लगाता हूँ। मैं नफरत और डर को मिटाता हूँ। मैं सभी से प्यार करता हूँ। मैं कांग्रेस हूँ। इस ट्वीट में राहुल ने न सिर्फ अपनी सफाई पेश की बल्कि बीजेपी को धर्म का पाठ भी पढ़ाया, जो कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी साबित करने पर तुली हुई थी। राहुल ने साफ कर दिया कि धर्म और जाति मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुस्लिमों की स्थिति जानने के लिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात की थी।
इस मीटिंग से बीजेपी इस कदर भड़की कि पिछले एक हफ्ते से प्रवक्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री और खुद पीएम मोदी तक उन पर बरस रहे हैं। लेकिन कई दिनों की चुप्पी के बाद आज आखिरकार राहुल ने ऐसा पलटवार किया कि धर्म पॉलिटिक्स में बीजेपी को ही उलझा दिया। डीबी लाइव की रिपोर्ट। चुनाव से पहले धर्म की सियासत शुरू हो गई है। धर्म के सहारे कौन अपनी नया पार लगाने में कामयाब होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले अभी तो नजरें मानसून सत्र पर हैं, जिसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष को मनाने के लिए ही आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने सभी दलों से निवेदन किया कि वो सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष तेवर दिखा चुका है। सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक में सभी पार्टियों ने साफ कर दिया कि वो कश्मीर से लेकर मॉब लिंचिंग, महंगाई से लेकर किसानों की स्थिति तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। ऐसे में सदन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। इसलिए सरकार को डर सता रहा है कि अगर बजट सत्र की तरह इस बार भी संसद ठप रही तो आगामी चुनाव से पहले सरकार अपने महत्वपूर्ण बिल पास नहीं करवा पाएगी। तीन तलाक बिल, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने संबंधी कई ऐसे विधेयक हैं जिन्हें सरकार बिल का रूप देना चाहती है। ऐसे में विपक्ष के हंगामे के चलते सरकार की कोशिशों पर पानी फिर सकता है, इसलिए आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विभिन्न विधायी कार्यों, राष्ट्रीय समस्याओं और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सदन में उनकी ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों की जानकारी दी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल दोनों सदनों में अपने मुद्दों को उठाए और उन पर सार्थक बहस करें, लेकिन सदन को चलने का हर संभव प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे विचारों के आदान प्रदान का अवसर मिलेगा और सत्ता पक्ष को भी विभिन्न विषयों पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पीएम के आश्वासन पर विपक्षी दलों ने भी सदन को चलाने और पूरा सहयोग देने की बात कही है। आपको बता दें कि मानसून सत्र 18 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने तो अपील कर दी, लेकिन विपक्ष के तल्ख तेवर शांत नहीं होने वाले, क्योंकि इस बार एक नहीं अनेक मुद्दे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सदन की कार्यवाही कितनी चलती है। वैसे आज कार्यवाही तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने नेता पर की, और वो भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए। बसपा की मीटिंग में राहुल पर निजी हमले करने वाले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह को मायावती ने सभी पदों से बर्खास्त कर दिया है। जयप्रकाश सिंह को राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला करना भारी पड़ गया है। बीएसपी नेता ने कभी नहीं सोचा होगा कि राहुल गांधी पर निशाना साधकर वो खुद पार्टी प्रमुख के निशाने पर आ जाएंगे। अपनी पार्टी सुप्रीमो मायावती को प्रधानमंत्री बनने में राहुल गांधी को बड़ा अड़चन मानने वाले जयप्रकाश सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि वे अपने पिता राजीव गांधी से ज्यादा विदेशी मूल की अपनी माँ सोनिया गांधी की तरह दिखते हैं। लेकिन जयप्रकाश के इस तीखे बयान को लेकर कांग्रेस से पहले मायावती ही उन पर भड़क उठी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ऐसे बयान देना बीएसपी की विचारधारा के खिलाफ है। जयप्रकाश सिंह के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, यह उनकी व्यक्तिगत सोच है। मायावती ने कहा कि जयप्रकाश के बयान को गंभीरता से लेते हुए बीएसपी ने उन्हें उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। मायावती के अपने पार्टी नेता पर कार्रवाई के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बसपा को ज्यादा तवज्जो दे रही है, इसलिए मायावती भी कांग्रेस के प्रति नरम है। वैसे इस बयान को महागठबंधन के नजरिए से भी देखा जा रहा है। बसपा समेत सभी पार्टियां जानती हैं कि महागठबंधन की धुरी कांग्रेस ही है, उसके बिना मोदी को टक्कर देना नामुमकिन है, इसलिए बसपा कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। दोनों की ये दोस्ती कर्नाटक में सीएम कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में भी दिखाई दी थी, जब सोनिया गांधी ने मायावती के साथ गलभैया करते हुए तस्वीरें खिंचवाई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में कई रंग देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मायावती सपा और कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कमजोर हो रही है, क्योंकि उसके खुद के नेता ही कमल का साथ छोड़ रहे हैं। आज सूबे में वरिष्ठ नेता बाल मुकुंद सिंह चौहान ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाल मुकुंद सिंह ने आरोप लगाया है कि इस पार्टी में कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले जहां विपक्षी पार्टियां एक दूसरे का हाथ थामकर मजबूत हो रही हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है। पहले साथ ही सांसदों ने मोर्चा खोला हुआ था, वहीं अब नेताओं की नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता बाल मुकुंद सिंह चौहान इतने खफा हो गए कि कमल का साथ ही छोड़ दिया। बाल मुकुंद सिंह चौहान ने योगी सरकार पर कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी में कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
बालमुकुंद सिंह चौहान ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया, जनसंघ से लेकर भाजपा तक सफर तय किया, कभी पद और पैसों की लालसा को भी नहीं भटकने दिया। सोचता रहा कि जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार का अंत होगा और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, लेकिन आज भाजपा के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि पार्टी लाइन से हटकर व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त होकर केवल धन को कमाने में लगे हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को अपमानित किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। आज वरिष्ठ नेता ने न सिर्फ इस्तीफा देकर अपनी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई बल्कि सरकार पर सवाल उठाकर उसे कटघरे में भी खड़ा कर दिया। वैसे सवाल तो ऑल इंडिया मछली से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार के उस दावे पर उठाए हैं जिसमें सरकार ने कहा था कि हमने पिछले 4 साल में 70 लाख नौकरियां दी, सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया। ओवैसी ने पूछा कि 4 साल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कितने मुसलमानों को नौकरी मिली। मोदी सरकार पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों को ज्यादा तवज्जो नहीं देती, रोजगार हो या फिर कोई भी क्षेत्र, सरकार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाती। इन्हीं आरोपों के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया था कि पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, सरकारी नौकरी में भी मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है। सरकार भले ही ये दावा करके अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने कहा कि मुझे पीएम बताए कि अगर आप मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देने का वादा करते हैं तो कितनों को नौकरी दी। पिछले 4 साल में सरकार ने क्या किया है, पिछले 4 साल में रेलवे और अर्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यकों की कितनी भर्ती हुई। पीएम पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुस्लिमों के प्रति प्यार दिखा रहे हैं, लेकिन दस्तावेज ये बताते हैं कि CISF में मुसलमानों को सिर्फ 3.7% नौकरी मिली, CRPF में मुसलमान सिर्फ 5.5% है, रैपिड एक्शन फोर्स में 6.10% मुसलमानों को नौकरी मिली है। क्या यह मल्टीकल्चरल है, क्या इसे ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बाद अर्थव्यवस्था पर लगे मोदी सरकार को झटके की। मोदी सरकार का कार्यकाल खत्म होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में अगर अर्थव्यवस्था ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर अनुमान में कटौती कर सरकार को पहले ही झटका दे दिया। IMF के मुताबिक 2018-19 में अर्थव्यवस्था बढ़ने के बजाय घटेगी। मोदी सरकार दावा कर रही है कि 2019 तक अर्थव्यवस्था काफी तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह से महंगाई दर बढ़ने और रोजगार घटने के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इन आंकड़ों के इतर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान ने भी मोदी सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। IMF के मुताबिक 2018 और 2019 में अर्थव्यवस्था बढ़ने के बजाय घटेगी। IMF ने साल 2018 की वृद्धि दर में 0.1% की कमी करते हुए इसके 7.3% रहने का अनुमान जताया है। वहीं साल 2019 में तो इसमें और भी गिरावट आ जाएगी। IMF के मुताबिक 2019 में 0.3% की कटौती होगी, जिसके बाद अर्थव्यवस्था 7.5% रहेगी। इसके पहले IMF ने साल 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% और साल 2019 में 7.8% की बढ़त होने का अनुमान लगाया था। IMF का मानना है कि कच्चे तेल के बढ़ते दाम, डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट, लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है। इन आंकड़ों से साफ है कि 2019 में मोदी सरकार की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि घटती अर्थव्यवस्था का मुद्दा बनाकर न सिर्फ विपक्ष उसे घेरेगा बल्कि जनता भी पीएम मोदी के विकास के वादे पर विश्वास नहीं करेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरें जानने के लिए लॉग इन करें dblive.tv। नमस्कार।